देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में वृहद हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछ रहा है, जिसमें कि काशी अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ी एक बड़ी व नवीन जानकारी सामने आई है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना पर आई नवीन जानकारी देंगे, जो आपके कई जिज्ञासाओं को शांत करेगा तथा वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर के दिल्ली और वाराणसी के मध्य प्रस्तावित हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की नवीन जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश को शीघ्र ही बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। दिल्ली वाराणसी के मध्य बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के कारणों से यह रूट एलिवेटेड ट्रैक पर होगा। इतना ही नहीं, अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने की भी प्लानिंग की जा रही है। चलिए आपको हम इस परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हैं। बता दें कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का 2024 तक आरंभिक कार्य पूरा करने की तैयारी है। यह कॉरिडोर 958 किलोमीटर लंबा होगा। इस रूट पर 13 स्टेशन होंगे, जिसमें से 12 उत्तर प्रदेश में होंगे। इतना ही नहीं, लखनऊ से अयोध्या को कनेक्ट करने वाला 123 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग भी इस रूट पर होगा, और इन रूट पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि दिल्ली से वाराणसी के मध्य बुलेट ट्रेन चलाने की प्लानिंग की जा रही है। रूट की फिजिबिलिटी टेस्ट के अतिरिक्त सर्वे का भी कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब दिल्ली से वाराणसी के मध्य बुलेट ट्रेन के स्टॉपेजों को लेकर के प्लानिंग की जा रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन पर एलिवेटेड ट्रैक भी बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के स्टेशन की बात करें तो वो होंगे दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज और न्यू भदोई के अतिरिक्त वाराणसी, जिनको यह बुलेट ट्रेन कनेक्ट करेगी। अभी वाराणसी से दिल्ली पहुंचने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है, तो वहीं बुलेट ट्रेन से यह दूरी लगभग 3.5 घंटे में ही तय हो सकेगी। बुलेट ट्रेन के लिए अलग से पटरियां बिछाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इसके लिए खास स्टेशन भी होंगे। बता दें कि वाराणसी के अतिरिक्त अयोध्या और आगरा को भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा। यही नहीं, नवीन जानकारी के अनुसार दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन एक दिन में दिल्ली से वाराणसी के मध्य 18 फेरे लगाएगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली से आगरा के मध्य 63 फेरे, दिल्ली से लखनऊ के मध्य 43 और दिल्ली से अयोध्या के मध्य 11 फेरे लगाएगी। इसके लिए नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने की प्लानिंग की जा रही है, तथा बुलेट ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थानों को जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रूट मैप को कुछ इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि यूपी के प्रसिद्ध स्थान भी इस रूट पर पड़ें। बता दें कि पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHRCL द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवहार्थी रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के साथ बनाया जाएगा। इससे सस्ती दरों पर भूमि के अधिग्रहण और निर्माण की लागत को कम करने में सहायता भी मिलेगी। हालांकि तकनीकी समस्या जिसके कारण प्रस्ताव को सिरे से निरस्त कर दिया गया था कि NH2 में दिल्ली और वाराणसी के मध्य कई स्थानों पर घुमावदार खंड है, जो कि एक ट्रेन के लिए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकेगा, और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर का ट्रैक सीधा होना चाहिए। बता दें कि वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली हावड़ा परियोजना का ही एक भाग है। वहीं इसके अतिरिक्त दिल्ली से वाराणसी वाया लखनऊ अयोध्या कॉरिडोर पर भी सर्वे का कार्य संचालित है। परियोजना पर वर्तमान परिस्थिति में सोशियो व स्ट्रक्चरल सर्वे चल रहा है, जिसके पश्चात मिट्टी की जांच प्रक्रिया आरंभ होगी। तत्पश्चात भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा।
भूमि का अधिग्रहण कार्य वर्ष 2025 तक आरंभ होने की संभावना है। अभी स्ट्रक्चरल और सोशियो सर्वे किया जा रहा है, साथ ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के प्लॉट का वेरिफिकेशन करते हुए भू स्वामियों से स्वीकृति ली जा रही है। भू स्वामियों से भूमि की कागजात तैयार करने को कहा जा रहा है, जिससे क्षतिपूर्ति की राशि मिलने में कठिनाई न हो। चिन्हित प्लॉट पर घर, बोरिंग अथवा किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, पेड़ आदि की क्षतिपूर्ति अलग से देने का प्रावधान है। बता दें कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। कम समय में अधिक दूरी तय करने के उद्देश्य से जापानी तकनीकी पर आधारित रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाना है। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी आरंभ हो चुकी है। बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात DPR को अंतिम रूप दे दिया है और इसे रेलवे बोर्ड को सौंपा दिया गया है, जिसका की अनुमोदन देने की प्रक्रिया के अंतर्गत यह DPR जांच के अधीन है। आपको हम बता दें कि देश में लोगों को काफी लंबे समय से बुलेट ट्रेन की प्रतीक्षा है। रेलवे की योजना के अनुसार अहमदाबाद से मुंबई के मध्य बुलेट ट्रेन पर बहुत तेजी से कार्य संचालित है, वहीं दिल्ली से वाराणसी के मध्य भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर कार्य संचालित है। DGPII रेलवे योगेश बावेजा के अनुसार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड करा रही है। मुंबई अहमदाबाद के अतिरिक्त भविष्य में 6 और रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है। इन सभी रूटों पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रेलवे के अनुसार हावड़ा वाराणसी और दिल्ली अमृतसर के मध्य बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के पश्चात DPR बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। संभावना है कि जून जुलाई से DPR पर कार्य आरंभ हो जाएगा और 6 से 8 माह में DPR का कार्य पूरा हो जाएगा। बता दें कि जिन रूट्स पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई है वो है दिल्ली अमृतसर, हावड़ा वाराणसी पटना, दिल्ली आगरा लखनऊ वाराणसी, दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद, मुंबई नासिक नागपुर, मुंबई हैदराबाद कॉरिडोर, जिनके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी दिल्ली बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के पिन कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी, एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय भी दें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।